नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं। वह देश छोड़कर भारत पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका सहित देश भर में सेना तैनात कर दी गई है। कुछ समय पहले शेख हसीना को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लीडर गिना जा रहा था। उन्हें बांग्लादेश की इकोनॉमी को बदलने का मसीहा कहा जाता था। बांग्लादेश में निवेश के लिए भारत और चीन को लुभाने की कोशिश में जुटे थे। अब ऐसा क्या हो गया कि हसीना को खुद अपना देश छोड़कर भागना पड़ा? आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्या हो गया कि सेना ने तख्ता पलट कर दिया? शेख हसीना के पतन की कहानी की शुरुआत 2 महीना पहले 5 जून को ढाका हाई कोर्ट के फैसले से शुरू होती है। इन 2 महीना यानी इन 60 दिन में 3 ऐसी घटनाएँ घटती है जिसके चलते शेख हसीना ने अपने 15 साल की सत्ता को गंवा बैठी और अपने ही देश में असुरक्षित होने के कारण वहाँ से भाग कर इंडिया आना पड़ा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि पिछले 2 महीने में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वहां सेना ने तख्ता पलट कर दिया। इन 2 महीनों में जो घटना घटी उसमें सबसे पहली कारण है आरक्षण पर ढाका हाई कोर्ट का फैसला, जिससे समान वर्ग के छात्र भड़क गए। सबसे पहले जो जानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं जानते उन्हें बता दो कि आज का जो बांग्लादेश है वह एक समय पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पहले पाकिस्तान के 2 भाग था, एक जो आज का पाकिस्तान उसको पहले पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था और ये जो आज का बांग्लादेश है उसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बिजुमुर रहमान जो शेख हसीना के पिता थे, इनके नेतृत्व में एक आंदोलन होता है, मुक्ति वाहिनी सेना का गठन होता है और फिर इंडिया के सहयोग से बांग्लादेश अपने आप को पाकिस्तान से अलग कर एक नया देश बना लेता है। इस तरह बांग्लादेश को 1971 में आज़ादी मिलता है। आज़ादी के साथ ही यहाँ पर 80% वाला कोटा सिस्टम लागू होता है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने के लिए जिन सैनिकों ने अपना योगदान दिया था उनके बच्चों के लिए यहाँ के आरक्षण में 30% हिस्सा रखा गया। इसके साथ ही पिछले जिलों के लिए 40% और महिलाओं के लिए 10% आरक्षण दिया गया। इस तरह देखा जाए तो समान छात्रों के लिए केवल 20% ही सीटें रखी गई। वैसे अगर अपना ही देश में देखें तो ST OBC SC के मुकाबले जनरल कैटेगरी के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में था, समान छात्रों की संख्या ज़्यादा था और उनके लिए सीट कम था। इसी को लेकर 1976 में विद्रोह भी होता है। कुछ विद्रोहों के बाद 1976 में पिछले जिलों के लिए आरक्षण जो पहले 40% था उसको घटा के 20% कर दिया जाता है। इस तरह से अब समान छात्रों का थोड़ा फायदा मिला और उनके लिए अब 20% से बढ़कर सीटें 40% हो जाती हैं। इस तरह से अब स्वतंत्र सेनानी बच्चों के लिए 30, पिछड़े जिलों के लिए 20 और महिलाएं के लिए 10 और जनरल के लिए 40% आरक्षण रहा। 1985 में पिछले जिलों का आरक्षण 20% से घटा के 10% कर दिया गया और इसके साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए 5% का कोटा नया जोड़ दिया गया। इससे फिर समान छात्रों के लिए 5% सीटें बढ़ी और इस तरह से इनके लिए अब 40 से 45 सीटें हो गई। बांग्लादेश आज़ाद 1971 में हुआ। उस समय के सैनिक के जो भी बच्चे लोग होंगे वे अगले 25-30 साल तक ही पढ़ाई की उम्र पार कर शादी ब्याह करके सेटल हो गए होंगे। यानी कुछ सालों बाद स्वतंत्र सेनानी के बच्चों के लिए मिलने वाले सीटों का जो आरक्षण था वह अब खाली रहने लगा। सीटें खाली रहने से इसका फायदा समान छात्रों को मिलता गया। लेकिन 2009 में स्वतंत्र सेनानियों के पोता पोतियों को भी आरक्षण मिलने वाली बात कही गई। इससे समान छात्रों की नाराजगी और बढ़ गई। साल 2012 में विकलांग छात्रों के लिए 1% कोटा जोड़ दिया गया। इस तरह से बांग्लादेश में एक बड़े वर्ग के लिए केवल 44% सीटें ही बची थी। इसी को लेकर 2018 में वहां के छात्रों ने 4 महीने तक प्रदर्शन किया। हसीना सरकार ने तब कोटा सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया। हसीना सरकार का मानना था कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन 5 जून 2024 को ढाका हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और सरकार को पुराना कोटा सिस्टम 2012 वाला लागू करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 के पहले जैसे आरक्षण मिलता था उसे फिर उसी तरह से लागू किया जाए। इससे समान वर्ग छात्रों के लिए फिर से 44% का कोटा सिस्टम रह गया। इस तरह से समान वर्ग के छात्र भड़क गए और सड़क पर उतर आए और हिंसा विद्रोह प्रदर्शन करने लगे। और यही विद्रोह धीरे धीरे हिंसा में बदल गई और बहुत सारी घटनाएं घटी। ये तो हुई पहली वजह।
अगर दूसरी वजह की बात करें तो वह है शेख हसीना ने जितने सारे प्रदर्शनकारियों था उसको पाक समर्थन रजाकार यानी गद्दार कह के बुलाया था। शेख हसीना ने कहा था कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे पोते को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के पोतों पोतियों को आरक्षण मिलेगा। बात ऐसी है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 14 जुलाई को दिए गए एक इंटरव्यू में यह बात कही थी। दरअसल बात ऐसी है कि बांग्लादेश में गद्दारों को रजाकार कहा जाता है। रजाकारों का नाम लेने से वहां पर चल रहे विरोध प्रदर्शन और भी हिंसक हो गई। प्रदर्शनकारी छात्रों ने उस सरकारी टीवी के चैनल में आग लगा दिया जहां शेख हसीना ने इंटरव्यू दिया था। इसके साथ ही ढाका यूनिवर्सिटी में रजाकार रजाकार के नारे गूंजने लगे। प्रदर्शन हिंसक हो गया और महीने भर में लगभग 300 से ज़्यादा लोगों की जान चल गई। इनमें से ज़्यादातर छात्र थे। मीडिया रिपोर्ट के माने तो शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को अपमानित करने के लिए और जनता के बीच में उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए रजाकार कह के बुलाया था। अपनी मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रजाकार बुलाना शेख हसीना के लिए बहुत भारी पड़ गया। बयान से पहले शेख हसीना ने यह भी नहीं सोचा होगा कि प्रदर्शनकारियों को रजाकार कह देना उनकी सरकार को इतना भारी पड़ेगा कि बांग्लादेश का प्रदर्शन पूरी दुनिया की निगाह में आ जाएगा। छात्रों ने रजाकार शब्द को सरकार के खिलाफ अपना हथियार बना लिया। उन्होंने जनता के बीच में यह मैसेज दिया कि सरकार कैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सिर्फ अपनी मांग रखने के लिए गद्दार साबित करना चाहती है। रजाकार शब्द का इस्तेमाल सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि उनके पार्टी के और भी बहुत सारे नेताओं ने अपने बयानबाजी में किया और अपने बयान में कई बार इस तरह के रजाकार शब्द को इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारी छात्रों को आक्रोश को और भड़का दिया। बांग्लादेश का कल्याण मंत्री दीपू मोनी हैं। इन्होंने कहा कि रजाकारों को बांग्लादेश के पवित्र झंडे को थामने का कोई हक नहीं है। वही वहां के सूचना और प्रसारण मंत्री मोहम्मद अली अरफात ने भी कहा कि रजाकारों को कोई भी मांग स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेताओं को ऐसे बयान से छात्र उग्र हो गए और वहां पे प्रदर्शन तेज हो गई। सरकार जिन्हें गद्दार यानी रजाकार साबित करना चाहते थे वह जनता की नज़र में हीरो बन गए। शेख हसीना के छात्रों की मौत पर चुप्पी साधना और मेट्रो जलने पर आंसू बहाना। दरअसल बात ऐसी है कि शेख हसीना बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद नुकसान को देखने के लिए 25 जुलाई को मीरपुर 10 मेट्रो स्टेशन का दौरा किया। इस मेट्रो स्टेशन में हुई तोड़फोड़ को देखकर शेख हसीना के आंख से आंसू निकल पड़े। शेख हसीना अपने आंसुओं को टिश्यू पेपर से पोंछते हुए भी नजर आई। लेकिन वहां पर प्रदर्शन के दौरान 200 से ज्यादा छात्रों की मौत हो गई उस पर उन्होंने एक बार भी कुछ भी नहीं कहा। 200 से ज्यादा छात्रों के मौत पर चुप्पी साधना इनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। इसके अलावा पिछले महीने विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे 6 लोगों को वहां के डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक बंधक बना के रहा। इन 6 लोगों में 3 लोग नादिर इस्लाम, आसिफ महमूद, अबू बकर मजुमदार घायल थे और ये तीनों अस्पताल में इलाज करा रहे थे। उन्हें वहां से ज़बरदस्ती उठा लिया जाता है और इन सभी से आंदोलन को वापस लेने के लिए एक ज़बरदस्ती वीडियो बनाया जाता है। जब ये 6 नेताओं कैद में थे तब वहां का गृह मंत्री यह दावा किया कि उन्होंने अपनी मर्जी से आंदोलन को ख़त्म करने की बात कही है। लेकिन जब मामला खुला तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि हजारों लोग सड़क पर उतर गए। इसके अलावा यह भी सवाल उठ रहे हैं कि बांग्लादेश में जानलेवा हिंसा को भड़काने के लिए पाकिस्तान और उनकी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में छात्र शिविर नाम के छात्र संगठन ने इस हिंसा को हवा देने का काम किया है। ऐसा कहा जाता है कि यह छात्र संगठन बांग्लादेश में प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी की शाखा है जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन प्राप्त है। कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने वाले बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल बकार उज जमान ने शेख हसीना के इस्तीफे के बाद इस संबंध में देश के प्रमुख पार्टियों के साथ मिलकर बैठक की है। उनका कहना है कि 18 संसदीय अंतरिम सरकार प्रस्तावित की गई है, सेना इस सरकार को बनाएगी, जो हत्या हुआ है उसे न्याय होगा, प्रदर्शनकारियों का मांग पूरे होगा और देश में शांति वापस लाया जाएगा। ये तो आने वाला समय में ही देखा जाएगा कि वहाँ पर कैसा माहौल होता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं
बहुत ही जल्द मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।